आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाई चार्ट जो कि आपने देखे होंगे और अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस में उनको बनाया होगा आपने। जनरली स्टैटिस्टिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब हमारे पास दो या दो से अधिक एलिमेंट हो और उनका परसेंटेज या क्वांटिटी हमारे पास हो, तो उनको एक पाई चार्ट यानी एक 360 डिग्री सर्कल के फॉर्म में अलग अलग कलर्स का यूज़ करके एक ग्राफ दिखाना, जो पाई चार्ट हम लोग कहते हैं, वो बनाना बनाया होगा आपने। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि पाइथन के प्रोग्राम का यूज़ करके किस तरीके से आप लोग पाई चार्ट बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास डेटा कहीं से अवेलेबल हो गया है और अगर आप चाह रहे हैं कि जो आप अगर डेटा एनालिसिस कर रहे हैं या डेटा एनालिटिक्स में काम करते हैं, तो आपको डेटा को अगर पाई चार्ट के फॉर्म में शो कराना है, तो आप कैसे शो कराएंगे? एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम यूज़ करेंगे, तो आज मैं इसको आपको बताता हूँ। फटाफट से पहले मैं VS कोड खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं अब अपना एक प्रोग्राम लिखना चालू करता हूँ। तो जो सबसे पहला काम है आपके पास, वो है हम लोग जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं वाले यहाँ पर, वो है हमारी मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी। तो इसका अगर अगर आपके पास ना हो तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के लिए आप टर्मिनल पर जाएं और PIP इंस्टॉल मैट प्लॉट लिब लिख दें, आपकी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग मैट प्लॉट लिब इंस्टॉल कर लें, मैट प्लॉट लिब को इम्पोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद कर लें मैट प्लॉट लिब। अगर ये पूरा आपको नहीं लिखना है तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इसमें मैट प्लॉट लिब में भी हमको सिर्फ पाई प्लॉट चाहिए, तो हम सिर्फ उसी को इंपोर्ट करने वाले हैं और इसको एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए PLT1 दे देते हैं या PLT या वॉट एवर जो भी आपको देना, तो PLT दे देते हैं। इतने से काम आपका चल जाएगा। अगला है, अगली लाइन जो हम लोग देखते हैं, तो वो है कि आप जो पाई चार्ट के अंदर जो चीज़ें दिखाने वाले हैं, तो यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अपन लोग गैसेस का, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, इन तीनों का दिखाना चाह रहे हैं हम यहाँ पर। तो उसके लिए एक वेरिएबल एक आपको यहाँ बनाना पड़ेगा और उसमें उनकी क्वांटिटी आपको दिखाना पड़ेगी। तो यहाँ मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएबल पार्टीशन, पार्टीशन या कुछ भी जो आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं, और यहाँ पर इनकी क्वांटिटीज आपको लिखना है। अब ये कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर एक हो गया 78 और 23 और 0.3। अगर ये गलत हो तो भाई बता देना आप मुझे, मैंने एक आइडिया लिख दिया जो मुझे याद था, शायद इतना ही होती है। 78% नाइट्रोजन, 23% ऑक्सीजन और 0.3 है या 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो भी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख दी हैं। अगला है कि ये तो क्वांटिटी हो गई उसकी, अब हमको लेबल्स भी चाहिए। लेबल्स बनाना है तो लेबल्स हैं, एक वेरिएबल लेबल्स के लिए बना देता हूँ मैं लोग। तो यहाँ पर लेबल में पहला लेबल आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन का, बिना लेबल के भी आपका बन सकता है, लेकिन इसमें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए आपने दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर हो गया CO2, ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। ये हो गया हमारे पास दो जो मेन नेसेसरी एलिमेंट्स चाहिए हमको एक पाई चार्ट बनाने के लिए, वो दोनों हमको मिल चुके हैं इधर। तो अभी पहले हम लोग एक काम करते हैं कि पहले पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए प्लॉट डॉट पाई जो हमारा फंक्शन है उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लॉट PLT.py, पाई चार्ट बना रहे हैं हम लोग, ये फंक्शन है। फंक्शन के अंदर हमको सबसे पहले तो देना पड़ेगा जिसमें आपने क्वांटिटीज लिख के रखी है, तो वो है हमारा पार्टीशन। उसके बाद आपको देना पड़ेगा जो लेबल्स आप बनाना चाह रहे हैं, उन लेबल्स का नाम आपने कहाँ पर लिख के रखा है, तो लेबल्स का नाम आपने लेबल्स है तो यहाँ लेबल्स इक्वल टू हम लोग कर देते हैं गैसेस। ठीक है, अभी ये हो जाएगा काम, इसमें इतने से मैं अपना काम चल जाएगा। तो अभी पहले हम इतना ही रखते हैं और फिर बनाते हैं, फिर इसके बाद इसमें और एडिशनल क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। इस पाई प्लॉट प्लॉट का कोई टाइटल अगर आपको देखना चाहते हैं, तो आप कोई टाइटल दे दीजिए। यहाँ टाइटल फंक्शन में हम लोग कुछ टाइटल दे सकते हैं, तो मान लीजिए मैंने दे दिया कि माई फर्स्ट पाई चार्ट। चलिए अब ठीक है, ये टाइटल हो जाएगा। और उसके बाद जो कमांड है शो करने की, पाई डॉट शो नहीं भाई, शो होता है शो फंक्शन। चलिए इसको हम करते हैं सेव, देखते हैं कोई समस्या तो नहीं इसमें। इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ और ये बीच में बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, शादी या बारात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर YPP Pi 1, इधर से मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ तो ये ऑटो, इसको रन करता हूँ।
ये देखिए आप, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, एक छोटी सी पट्टी आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी, तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर बन गई, ये ग्राफ हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो भाई अब यहाँ पर हम चाहें तो कलर्स को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसने डिफॉल्ट कलर ले लिए, जो भी ले लिए। अगर आप चाहते हैं कि कलर्स भी कुछ अपने हिसाब से लें, तो अपन यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं कलर के लिए, और यहाँ पर कलर के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं आप, तो ब्लू के लिए हो गया, ये बी हो गया, और वैसे जो डिफ़ॉल्ट कलर इसने चूज़ किए थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन हम फिर भी एक एग्जांपल ले रहे थे। तो यहाँ ऑक्सीजन के लिए हम लोग ले रहे थे रेड कलर, और ग्रीन कलर ले लेते हैं CO2 के लिए, ग्रीन या ब्लैक ले लेते हैं, तो यहाँ पर और एक आध कलर और कोई सा हो गया, चलिए ग्रीन ही कर देते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया, कंट्रोलाइज किया। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि कलर्स आपने किस में ले रखे हैं, तो कलर्स के लिए आपने दे रखा है, एक वेरिएबल बना रखा है COLS, अभी ठीक है, हो गया, चलिए सेव करता हूँ, रन करके देखते हैं क्या कोई चेंजेस हुआ। जी हाँ, यहाँ चेंजेस हो गए, देख सकते हैं आप कि ये ब्लू था, ये ब्लू हो गया है, ये ऑक्सीजन वाला रेड हो गया, और एक ग्रीन पट्टी CO2 की आपको दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आप लोग इसमें पाई चार्ट को आप ड्रॉ कर सकते हैं मैट प्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करके, और ये सब इसके अंदर एट्रीब्यूट्स, अब इस फंक्शंस के अंदर ये सब आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेंगे प्लॉट डॉट पाई के अंदर। तो ये था हमारा पाई ग्राफ यूजिंग पाइथन कोड, और भी ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में अभी आपके बनाता रहूँगा, तो चलिए इसको मैं एंड करता हूँ, थैंक यू।